हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है कि होंडा की तरफ से एक नई 160 बाइक जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। अब ये आप लोगों को फिलहाल अभी कंफर्म नहीं हो रहा, ऑब्वियसली बात है भाई, किसी को कंफर्म नहीं है कि कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है। बट सबसे ज़्यादा जो चांसेस दोस्तों वो हॉर्नेट 160 के हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो चांसेस निकल के आ रहे हैं वो हॉर्नेट 160 के आ रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों यही बात करने वाले नई वाली हॉर्नेट 160R के बारे में। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सकें। सो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यही कंफर्म कर लेते हैं कि भाई कौन सी बाइक हमें देखने को मिल रही है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि हॉर्नेट 2.0 जब इंडियन मार्केट में आई तो आप लोगों को पता है दोस्तों वो इंडियन मार्केट में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, लोग उसे उतना ज़्यादा पसंद नहीं किए जितना ज़्यादा लोगों को करना चाहिए था। क्योंकि 160R जो हॉर्नेट थी, मतलब हॉर्नेट 160R जो थी वो ज़्यादा अच्छी चली थी इंडियन मार्केट में, उसे लोगों ने ज़्यादा पसंद किया था। तो इसीलिए होंडा ये चीज़ समझ चुका था कि भाई ये तो हमारे यहाँ चल नहीं रही है, तो ये भाई प्लान बना चुके थे कि इन्हें अब नई वाली जो है अपना हॉर्नेट 160R वापस से लाना पड़ेगा। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि पुरानी वाली जो 160R हॉर्नेट है वो आपको इसमें मतलब सेम देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें आपको कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो नई देखने को मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहला जो चेंज होने वाला है वो होने वाला है USD फॉक सस्पेंशन में। पहली वाली जो हॉर्नेट थी उसमें आप लोगों को जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते थे, लेकिन नई वाली जो 2.0 हॉर्नेट आई उसमें आप लोगों को USD फॉक सस्पेंशन देखने को मिला है ना। तो आपको बताना चाहूँगा इस वाली हॉर्नेट में भी आपको USD फॉक जो सस्पेंशन है वो कंपनी दे सकती है। बाइक में तो दूसरा अपडेट करने वाली कंपनी वो करने वाली स्पीडोमीटर में, जहाँ स्पीडोमीटर में कुछ चेंजेस होंगे। जैसे आपको बताना चाहूँगा इसमें आपको चेंजेस में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आपको बाइक में नया वाला स्पीडोमीटर मिलेगा जिसमें आपको सारे फीचर मिलते हैं, गियर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, ये सारे जो फीचर है वो भी आपको बाइक में देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक नई चीज जो है कंपनी इसमें ऐड कर रही है। बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट चेंजेस के बारे में, तो होने वाला है इस बाइक की डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर। आप लोगों को पता है दोस्तों इंडियन मार्केट में अभी जो है NS 160 और N 160 में जब से डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम आया है तो हर कंपनी अब 160 सेगमेंट में डुअल चैनल ईबीएस में काम करेगी, क्योंकि भाई 160 सेगमेंट की बाइक एक दूसरे की कंपटीटर होती है। तो आपको बताना चाहूंगा इस बाइक में भी आप लोगों को डुअल चैनल जो एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी कंपनी दे सकती है। तो ये भी एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको बाइक में मिल सकता है। बात कर ले बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो इस बाइक की टेल लाइट को लेकर आपको बताना चाहूँगा बाइक की जो टेल लाइट है दोस्तों वो भी चेंज होने वाली है। जी हाँ, बाइक की जो टेल लाइट है वो भी चेंज होने वाली है। टेल लाइट का जो डिज़ाइन है, आप मैंने फोटो भी डाला था, आप फोटो देखे होंगे कि टेल लाइट भी आपको यहाँ पर नई देखने को मिल रही इस बाइक में। तो टेल लाइट का जो डिज़ाइन है वो भी आपको यहाँ पर नया मिलेगा। बात कर ले बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में और नेक्स्ट चेंजेस के बारे में, तो इस बाइक की लाइट्स को लेकर, लाइट्स में आपको बाइक में पहले की तरह फुली LED सेटअप में जो लाइट है वो तो आपको बाइक में देखने को मिलेगा, बट चांसेस ये है कि इसकी जो लाइट है वो ज़्यादा पावरफुल रहेगी एज कम्पेयर टू ओल्ड वर्जन के कंपेयर में। इसकी जो लाइट है वो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो होने वाला दोस्तों इसके इंडिकेटर्स को लेकर। आप लोगों को पता है दोस्तों जो पुरानी वाली 160R हॉर्नेट आती थी उसमें आप लोगों को जो है नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलते थे, बट नई वाली जो अपनी हॉर्नेट है इसमें आप लोगों को जो LED इंडिकेटर है वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसके भी जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा और काफ़ी अच्छा अपडेट आपको ये मिलेगा। बाकी दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा इसकी जो लॉन्च डेट है वो भी कंफर्म हो गई है। ये लगभग मुझे लग रहा है 8 से 10 तारीख के अंदर आपको ये बाइक देखने को मिलने वाली है और 150 से 180 सेगमेंट के बीच में जाने वाली है। तो कौन कौन इसका वेट कर रहा है कमेंट करके जरूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।